हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मौसमी भट्टाचार्य फ्रॉम शेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 7 वसंत का पाठ 18 संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया धनराज फिर से समझाने जा रही हूँ। प्रस्तुत पाठ विनीता पांडे द्वारा लिया गया धनराज पिल्ले का साक्षात्कार है। धनराज पिल्ले हॉकी के मशहूर खिलाड़ी हैं। इस पाठ में उनके बचपन से लेकर हॉकी के एक सितारे के रूप में चमकने तक की अनेक छोटी बड़ी बातों का उल्लेख है। विनीता जी ने उनसे पूछा कि पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरा नंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफ़र बहुत लंबा और कष्ट साध्य रहा है, उस बारे में कुछ बताएं। धनराज ने उनसे अपने बचपन की सभी बातें कही। उन्होंने कहा कि उन्होंने जूनियर हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। उसके पहले उन्होंने ये बताया कि बचपन उनका मुश्किलों से भरा रहा। वे बहुत गरीब थे। उनके दोनों बड़े भाइयों के चलते उन्हें भी हॉकी का शौक लगा। उनके पास हॉकी स्टिक खरीदने की हैसियत नहीं थी, इसलिए साथियों से उधार मांगकर वे काम चलाया करते थे। वे अपनी बारी का इंतज़ार करते थे। जब सब खेल चुके होते थे तब उनकी हॉकी स्टिक से वे प्रैक्टिस किया करते थे। उन्हें अपनी पहली स्टिक तब मिली जब उनके बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया। बड़े भाई ने अपनी पुरानी स्टिक उन्हें दे दी। वह नई तो थी नहीं, लेकिन उनके लिए बहुत ही कीमती थी क्योंकि वह उनकी अपनी थी। उन्होंने सन 1985 में मणिपुर में जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेली। तब वे सिर्फ 16 साल के थे, देखने में दुबले पतले और छोटे बच्चे जैसे। उनकी कदकाठी तो दुबली थी, लेकिन उनका ऐसा दबदबा था कि कोई उनसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। वे बहुत ही जुझारू थे। 1986 में उन्हें सीनियर टीम में डाल दिया गया और वे मुंबई चले आए। सन 1988 में ओलंपिक के लिए नेशनल कैंप से बुलावा आएगा ऐसा उन्होंने सोचा, पर नहीं आया। 57 खिलाड़ियों के लिस्ट में भी उनका नाम नहीं था। बड़ी मायूसी हुई, लेकिन एक साल बाद ऑलवेन एशिया कप के कैंप के लिए उन्हें चुन लिया गया। अपने स्कूल के दिनों के बारे में वे बताते हैं कि वे पढ़ने लिखने में एकदम कमज़ोर थे। उन्हें पढ़ना लिखना अच्छा नहीं लगता था। किसी तरह 10वीं तक पहुँचे, मगर उसके आगे पढ़ाई करना उनके लिए बहुत ही कठिन बात थी। वे कहते हैं कि आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही न हूँ, पर गर्व से कह सकता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। विनीता जी ने उनसे दूसरा सवाल यह किया कि वे इतने तुनुक मिजाज क्यों हैं। तुनुक मिजाज अर्थात बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना। धनराज जी ने बताया कि इसका संबंध उनके बचपन से जुड़ा हुआ है। वे हमेशा से ही अपने को बहुत असुरक्षित महसूस करते रहे हैं। उन्होंने देखा है कि उनकी माँ ने उन लोगों के पालन पोषण के लिए काफ़ी संघर्ष किया। वे कहते हैं कि वे बिना लाग लपेट वाले आदमी हैं। जो मन में आता है सीधे सीधे कह डालते हैं, परंतु बाद में वो उस बात के लिए पछताते भी हैं। वे अपना गुस्सा नहीं रोक पाते हैं, जिसका फ़ायदा दूसरे उठाते हैं और उन्हें उकसाते हैं। उन्हें ज़िंदगी की हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए जूझना पड़ा है, जिससे वे बहुत ही चिड़चिड़े हो गए। साथ ही साथ वे बहुत ही भावुक इंसान भी हैं। वे अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत कद्र करते हैं और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगने में भी उन्हें कोई झिझक नहीं। सबसे अधिक प्रेरणा उन्हें अपनी माँ से मिली। उन्होंने सभी भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। उनकी बड़ी भाभी कविता भी उनके लिए माँ की तरह ही हैं।
और वे भी उनके लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं। धनराज जी ने बताया कि सबसे पहले उन्होंने कृत्रिम घास तब देखी जब वे राष्ट्रीय खेलों नेशनल्स में भाग लेने 1988 में दिल्ली गए। वह उनके लिए एक अलग ही अनुभव था। फिर उन्होंने बताया कि उनकी पहली कार एक सेकेंड हैंड आर्माडा थी जो उनके पहले के एम्प्लॉयर ने दी थी। तब तक वे काफ़ी नामी खिलाड़ी बन चुके थे, परंतु फिर भी पैसे की तंगी की वजह से वे लोकल ट्रेनों में सफ़र करते थे। एक दिन किसी ने उनकी तस्वीर खींच ली और अखबार में छाप दिया कि हॉकी का सितारा पिल्ले अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करता है। उस दिन उन्होंने यह महसूस किया कि वे एक मशहूर चेहरा बन चुके हैं। आज उनके पास एक फोर्ड आइकॉन है जिसे उन्होंने सन 2000 में खरीदा। वह किसी का दिया हुआ तोहफा नहीं बल्कि उनकी मेहनत की गाढ़ी कमाई से खरीदी हुई कार थी। आज के खिलाड़ियों को जितने रुपए पैसे मिलते हैं उस समय आज के मुकाबले में कुछ नहीं मिलता था। उनकी पहली जिम्मेदारी परिवार की आर्थिक तंगी को दूर करना और उन सबको एक बेहतर ज़िंदगी देना था। विदेश में जाकर जो भी कमाई हुई उससे उन्होंने 1994 में पुणे के भाव पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें पवई में एक फ्लैट दिया। यह ऐसा घर था जिसके बारे में वे सपने में सोच सकते थे, परंतु उन्हें स्वयं खरीदना उनके बस की बात नहीं थी। जब वे राष्ट्रपति से मिले तब उन्होंने यह महसूस किया कि वे कितने खास हैं। हॉकी ही है जिसके चलते उन्हें इतनी प्रतिष्ठा मिली। इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत और लगन के साथ अगर कोई भी काम किया जाए तो उसका फल हमेशा अच्छा ही होता है। हमें भी धनराज जी के जीवन से सीख लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। पाठ में आए हुए कठिन शब्द एवं उनके अर्थ इस प्रकार हैं: जुझारू अर्थात संघर्षशील, मायूसी अर्थात निराशा, फिसड्डी अर्थात पिछड़ा कमज़ोर, तुनुक मिजाज अर्थात बात बात पर नाराज़ होने वाला चिड़चिड़ा, लाग लपेट वाला अर्थात चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला, प्रतिष्ठा अर्थात सम्मान, कृत्रिम अर्थात बनावटी, शोहरत अर्थात प्रसिद्धि। पाठ के अंतर्गत आपको पठित गद्यांश, वैकल्पिक प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न एवं लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी करवाए गए हैं। सभी प्रश्नोत्तरों को याद करें एवं व्याकरण से संबंधित प्रश्नों का पुनः अभ्यास करें। हमारे पाठ का पुनराभ्यास यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।